अंजू जल्दी करो। अरे और कितनी देर लगेगी तैयार होने में? अरे आप बस 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 एक मिनट आ गई। ओह ओ देखो मैं तैयार हो गई, तुम तो बस पीछे ही पड़ जाते हो। अरे पीछे नहीं पड़ता। वैसे मैडम आपका जो ये एक मिनट है ना, पिछले आधे घंटे से चल रहा है। हाँ हाँ देर हो जाएगी ना पार्टी। आराम से गिर जाओगे। क्यों मेरा बच्चा? क्यों मम्मा पापा, मुझे शीला दीदी के साथ घर पे अकेले नहीं रहना। अरे प्लीज मत जाओ ना। अरे रोहन बाबा, मम्मी पापा को जाने दो, हम दोनों मिलके खूब सारे गेम्स खेलेंगे, मस्ती करेंगे, ठीक है? नहीं मुझे आपके साथ नहीं खेलना, मुझे मम्मा पापा के साथ जाना है। अब राजेश देखो मैं पार्टी में जाके क्या करूंगी, मुझे रोहन के साथ रहने दो ना, वहां जाके मैं बोर हो जाऊंगी, किसी को जानती भी नहीं हूँ। अरे अभी लास्ट मिनट पे कैंसिल कैसे कर सकते हैं? कम ऑन बेटा, हम लोग जिस पार्टी में जा रहे हैं देयर विल बी नो किड्स, आप वहां जाओगे तो बोर हो जाओगे, इसलिए उससे अच्छा ये है कि आप घर पे रुको, यहाँ आप शीला दीदी के साथ खेल सकते हो। जाओ सब लोग पार्टी में जाओ, nobody loves me. ओ बेबी बेटा, पापा लव्स यू ना। शीला इसे सोने से पहले जरूर दूध दे देना, ठीक है? जी ओके बेटा, बाय। सी यू मम्मा, बाय पापा। चल चलो। रोहन बाबा क्या बात है, बहुत हंसी आ रही है? हाँ रोहन बाबा। मुझे सब पता है कि आप जाग रहे हो और ये सब है ना, तुम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो सोने की। अभी तक तो इतनी जोर से हंस रहे थे हाँ, और अब देखो ऐसे दिखा रहे हो कि पता नहीं कब से सोए हुए हो। चलो उठो जल्दी से दूध पी लो। रोहन बाबा बहुत शरारती हो गया है। रोहन बाबा, रोहन बाबा, बाबा रोहन, चलो उठो 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 उठो, शाबाश। हाँ चलो लो जल्दी से फिनिश करो। शाबाश। अच्छा ये बताओ कि तुम इतने जोर जोर से क्यों हंस रहे थे? नहीं मैं तो नहीं हंसा, मैं तो सो रहा था। मुझे सब पता है, आजकल तुम ना बहुत नॉटी हो गए हो, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी तुम्हारे कमरे में, ठीक? ताकि तुम और कोई शैतानी ना कर सको, समझे? दूध खत्म और अब सोने का टाइम। चलो आईज क्लोज, सो जाओ।
रोहन बाबा हंसना बंद करो और सो जाओ। वाह शीला दीदी बेड उड़ रहा है, कितना मजा आ रहा है। रोहन बाबा आप कितना मजा आ रहा है, आप भी आओ ना। रोहन बाबा जल्दी नीचे आइए। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। रोहन दीदी दीदी तुम ठीक हो ना? देखा तुम पहले पार्टी में आने से मना कर रही थी, अब मजा आया कि नहीं आया? बहुत मजा आया। अरे शीला के रूम में अभी भी लाइट जल रही है, सोई नहीं है क्या? लेट मी चेक। शीला 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 शी कमाल है, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि शीला कमरे में नहीं है और लाइट्स चल रही है। शायद रोहन के रूम में होगी और लाइट्स ऑफ करना भूल गई होगी। हाँ चलो शायद ऊपर ही होगी। शीला राजेश आप काम करो, चेंज कर लीजिए, मैं चेक करके आती हूँ कहीं रोहन अभी तक जगा तो नहीं है। ये लड़का भी ना। रोहन कहाँ गया ये लड़का? राजेश राजेश जल्दी आओ यहाँ पे। रोहन नहीं है यहाँ पे, रोहन को ढूंढो, देखो प्लीज ढूंढो उसे। रोहन मम्मा पापा मुझे शीला दीदी के साथ घर में अकेला नहीं रहना, आप लोग क्यों जा रहे हो, यहीं रहो ना प्लीज। अंजू पुलिस का कहना है कि वो जल्द से जल्द रोहन को ढूंढ लेगी। उन्हें ऐसा भी लगता है कि जिस तरह से शीला की बॉडी मिली है ये केस हो सकता है। और तुम हौसला मत हारो अंजू, हमारा रोहन बहुत जल्द मिल जाएगा। क्या हुआ अंजू? तुम्हें किसी बच्चे के हंसने की आवाज आ रही है? वो
वो वहां से नहीं अंजू, कोई आवाज नहीं है। कैसे नहीं आ रही है राजेश? सुनो ना, ऐसा लग रहा है कि हमारा बच्चा, मेरा रोहन, आसपास ही कहीं पे है। मैं उसे महसूस कर पा रही हूँ पर देख नहीं पा रही हूँ। वो देखो ना वहां से। अंजू, अंजू, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ पर तुम चिंता मत करो, हमारा रोहन बहुत जल्द मिल जाएगा। राजीव, चलो हम लोग अंदर चलते। अंजू खाना खा लो, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी। प्लीज खाना खा लो अंजू। देखो तुम खाना खा लोगी ना, उसके बाद पुलिस स्टेशन चलेंगे। और मैं ये सोच रहा था कि आसपास के एरिया में भी चलते हैं, वहां लोगों से पूछते हैं, शायद किसी ने रोहन को देखा। और मैं रोहन के फ्रेंड्स को भी फोन करूंगा, शायद उनसे कुछ पता चल जाए। हमारे रोहन को गायब हुए 12 घंटे से ज्यादा हो गए। राजेश, रोहन भूखा हुआ तो वो, उसे तो भूख बर्दाश्त नहीं होता है। अगर हमारे बेटे से कुछ खाया नहीं हुआ तो राजेश कुछ करो, उसे ढूंढो। राजेश हमारे, ये गया। मम्मा थोड़ा और जोर से पुश करो ना। ये बेटा गिर जाओगे। नहीं मम्मा, नहीं गिरूंगा। ओहो, आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते। ये लो, ये। बस बस बस, रोहन बहुत हो गया, चलो अब घर चलते। नहीं मम्मा, थोड़ी देर और ना प्लीज। अरे ओफो, एक बार आप यहाँ आ जाते हो तो जाने का नाम ही नहीं लेते। आई लव दिस मम्मा। रोहन, ये कौन है? किसे देख रही है ये? ये तो अंधी है, पर मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये आवाज सुनाई दे रही है? हाँ? वो सुनो, वहां से हंसी की आवाज आ रही है। कोई आवाज नहीं है अंजू। हाँ है, राजेश है, तुम ध्यान से तो सुनो। वो मेरा बच्चा रोहन है, यहाँ आसपास है। मैं उसे महसूस कर पा रही हूँ, उसे देख नहीं पा रही हूँ। अंजू राजेश, तुम बहुत स्ट्रेस्ड हो। नहीं राजेश, तुम थोड़ा आराम करो। नहीं राजेश, मेरा बच्चा,
मेरा बच्चा है यार। चुवन, चुवन कहाँ चला गया? मम्मा इस मिसिंग यू बेटा। सैड है ना, मिस कर रहा है ना, मिस कर रहा है ना रोहन को। रोहन, वी ऑल आर मिसिंग यू बेटा, कम बैक, कम बैक, कम बैक बेटा। रोहन, 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 ये टीवी से रोहन के साथ ये दूसरा, चल दूसरा झूला झूलते हैं। ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लड़का? ये इसका चेहरा नहीं दिख रहा है, कौन? राजेश, राजेश, राजेश जल्दी आओ।
राजेश, राजेश! अंजू, क्या हुआ अंजू? क्या हुआ अंजू? देखो ना, राजेश, राजेश टीवी पे रोहन, देखो ना राजेश, देख। कुछ नहीं है अंजू, तुम ठीक तो हो ना? चल, उठो, चल। राजेश कोई कुछ नहीं है, चलो चलो चलो। आ जाओ। राजेश ये कैसे? मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आपके घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। There is some trouble in your house. Trouble? आप हैं कौन और बोलना क्या चाह रही? मैं एक आत्मा के बारे में बताने आई हूँ, एक स्पिरिट जो मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। क्या क्या बोल रही हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी, मैं आत्माओं से बात कर सकती हूँ। They can communicate with me. वो मुझसे अपना संपर्क बना सकती हैं। और मैं यही बताने के लिए आपके पास आई हूँ कि वो आत्मा चाहती है कि मैं इस घर में अंजू से बात करूँ। वो अंजू को कुछ बताना चाहती है। किसकी आत्मा? आप बोल क्या रही हैं? एक बच्चे की आत्मा, a young boy. देखिए, मेरा बेटा मिसिंग है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसे ढूंढ रही है। मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ है, he is not dead. आप ऐसी बातें मत कीजिए। लेकिन वो एक छोटे बच्चे की आत्मा है जो तुमसे बात करना चाहती है, a spirit of a young boy. अंजू क्या हो रहा है? कौन है? देखिए, आपके घर में एक बच्चे की आत्मा है और इसलिए मैं यहाँ आप लोगों की मदद करने के लिए आई हूँ। देखिए, आप जाइए यहां से, प्लीज लीव, और दोबारा यहां कभी मत आइएगा। हमारा बेटा किडनैप हुआ है और पुलिस बहुत जल्द उसे ढूंढ लेगी। आप ये मेरे घर पे आके मेरी वाइफ को ये बेकार की बातें सुना के परेशान मत करिए। जाइए यहां से। मैं गली की शुरुआत के तीसरे घर में रहती हूँ, मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो आ जाइएगा। जस्ट लीव राइट नाउ। अंजू क्या है? एक अनजान इंसान की बेकार की बातों पे ध्यान दे रही हो तुम? मैं अपने इस घर में ये सब टॉलरेट नहीं करूंगा। अरे, ये टाइम बेकार की बातों पे ध्यान देने का नहीं है, बल्कि पेशेंस रखने का है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है ना? पुलिस के पास कहने को कुछ भी नहीं है राजेश, कोई जवाब नहीं है उनके पास। मैं अपने बेटे को महसूस कर सकती हूँ, रोहन तेरे आस पास कहीं है मैं समझती हूँ, पर मैं उसे देख नहीं सकती। कुछ अजीब चल रहा है इस घर में राजेश, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। हमें किसी ऐसे की मदद लेनी होगी जो सब कुछ समझ सकता हो, जो सब कुछ जानता हो। किस चीज की बात? रोहन, 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 रोहन बेटा कहाँ हो?
रोहन। रोहन रोहन बेटा रोहन रोहन बेटा यहां आओ मेरे पास आओ बेटा रोहन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रोहन के साथ वो दूसरा लड़का कौन था। मैं तो आपको कब से कह रही थी कि इस घर में कुछ तो अजीब हो रहा है। राजेश क्या आपको अभी भी लगता है कि पुलिस इसको सॉल्व कर पाएगी? मुझे शायद तुम सही कह रही हो। हमें उस लेडी से मिलना चाहिए जो सुबह हमारे घर आई थी। हाँ। आइए, मैं जानती थी कि आप लोग मेरे पास आएंगे। आप लोग यहां बैठिए। देखिए मेरे बेटे के बारे में मुझे बताइए, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए मुझे। आपका बेटा आत्माओं की दुनिया में है। राजेश क्या बोल रही है? हाँ मतलब मेरा 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 रोहन ये सच है, आपका बेटा मर चुका है। इसलिए उसकी आत्मा आपसे संपर्क करना चाहती है। वो आपसे बात करने के लिए बेचैन है। रोहन राजेश क्या बोल रही है? मगर वो दूसरा लड़का कौन है? क्योंकि मैंने घर पे रोहन के साथ एक दूसरे बच्चे को देखा था। आत्माओं की दुनिया से सिर्फ एक ही बच्चा है, इसलिए उस घर में भी एक ही बच्चा है, दो नहीं। बच्चा वो मुझसे कहना क्या चाहता है? इतनी क्या क्या कहना चाहता है? वो यही है। चले जाओ यहां से, जाओ जाओ जल्दी।
जाओ, जाओ यहाँ से, भाग जाओ, जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। वो बच्ची अगर घर पे है तो छुपे कहाँ है? तुम्हारे घर में अंधेरी, अंधेरी जगह है। जहाँ, जहाँ, जहाँ का दरवाजा उत्तर की दिशा की तरफ खुलता है। अब जल्दी करो, जाओ यहाँ से, जाओ। अब देर मत करो, जाओ। वो तुमसे बहुत नाराज है। जाओ, जल्दी से जाओ, जाओ। निकल जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। चलो। अंजू, जिस जगह की वो बात कर रही थी उससे तो ये लग रहा है कि वो जगह हमारे घर की बेसमेंट ही है। हमें वहां जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। पर एक चीज समझ में नहीं आ रही अंजू, रोहन तुमसे इतना नाराज क्यों है? मेरा बच्चा मुझसे नाराज है, पर वो रोहन नहीं है। क्या कह रही हो अंजू? मैंने तुमसे कुछ छुपाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस बात को और छुपाने देगा। क्या छुपाया है? राजेश, तुमसे पहले मेरी शादी किसी और से हुई थी, और मेरा एक बच्चा भी था। तुम अपना ख्याल रखना, शाम में जल्दी आ जाऊंगा मैं। और बेटा, तू मम्मा को ज्यादा परेशान मत करना, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारे आने का वेट कर रही है। चलता हूं। जल्दी आ। हाँ, जल्दी आऊंगा। चलो। मम्मी तुम्हारे लिए कितनी तैयारियां की है। अब ये देखो, छोटे छोटे सॉक्स तुम्हारे छोटे छोटे पैरों के लिए। अब ये भी देखो, ये कपड़े, ओहो क्यूट है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ, ये देखो बैंगल्स। अब मुझे क्या पता तुम लड़की हो या लड़का। चलो जो भी हो, अब जल्दी से मम्मा के पास आ जाओ, तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतजार है। चलो एक प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ। ओहो, सॉरी बेटा, एक मिनट। हेलो। हेलो, अंजू बोल रही है? हाँ जी, अंजू बोल रही हूँ। आपके हस्बैंड का कार एक्सीडेंट हो गया है और उनकी मौत हो गई है, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। ये लीजिए आपका बच्चा। देखिए, ये 2 months प्री मैच्योर बेबी है, इसलिए इसकी हालत बहुत नाजुक है। आपको इसका काफी ध्यान रखना होगा। वैसे आपने इसका नाम क्या सोचा है? आकाश। इसका नाम मैं आकाश रखूंगी, मेरा बेटा।
मेरा बेटा, ना 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 ना, मत रो बेटा, मत रो। तेरी माँ है ना तेरे साथ, पूरी जिंदगी तेरा ख्याल रखूंगी मैं। And I promise बेटा, मेरे लिए तुझसे ज्यादा जरूरी और प्यारी चीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं होगी। I promise. I love you, बेटा। क्योंकि आकाश की डिलीवरी प्रीमैच्योर थी, इसलिए वो एक बहुत ही वीक बच्चा था। लेकिन इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस, मेरा बच्चा झेल नहीं पाया राजेश, और 10 दिन पूरे होने से पहले ही वो अपने डैड की तरह मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन राजेश, मैं उसे नहीं भूली, मेरा प्रॉमिस नहीं भूली मैं। उसके हर बर्थडे पे मंदिर जाकर मैं शांति पूजा करवाती, लेकिन रोहन का एग्जाम, तुम्हारा नया नया प्रमोशन, इन सब की वजह से मैं बहुत स्ट्रेस्ड हो गई थी राजेश, पर मेरे बच्चे को लगा कि मैं उसे भूल गई। मैं उसे नहीं भूल सकती राजेश, नहीं भूल सकती। जानते हो उसका बर्थडे कब था? उसी दिन था जिस दिन हम दोनों आपके ऑफिस के पार्टी में गए थे, वो भी रोहन को शीला के पास छोड़कर। मेरे बच्चे को लगा कि मैं उसका बर्थडे भूल गई, मैं उसे भूल गई। मैं मेरे बच्चे को कैसे भूल सकती हूँ? परंजू, तुम्हें मुझे अपने पास्ट और आकाश के बारे में बताना चाहिए था। जितना प्यार मुझे तुमसे मिला है, उसके बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम नहीं हो सकता। I'm sorry, Rajesh. I'm really sorry. It's okay. जो हुआ सो हुआ। अभी पहले हमें रोहन को बचाना है। Let's go. आकाश, ये तुम हो ना बेटा? मैं जानती हूं कि तुम मुझे सुन पा रहे हो। अंजू, वो इस तरफ भी नहीं है। आकाश, 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 अपनी माँ को माफ कर दे बेटा। मैं जानती हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं पता नहीं मैं तुझे कैसे भूल गई, तेरा बर्थडे कैसे भूल गई। अनजाने में गलती हुई बेटा, बेटा माफ कर दे बेटा, बेटा प्लीज, प्लीज बेटा प्लीज। ओह,
राजेश, 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 आंखें खोलो, राजेश, राजेश, आकाश, आकाश बेटा शांत हो जाओ, बेटा बेटा शांत हो जाओ, अपनी माँ को माफ कर दो बेटा, प्लीज, मैं नहीं भूलूंगी तुम्हें, ना तुम्हें भूलूंगी, ना तुम्हारा बर्थडे, बच्चा बच्चा प्लीज शांत हो जाओ बच्चा। मम्मा, मम्मा, मम्मा मुझे बचाओ, मम्मा मुझे यहाँ से निकालो, रोहन, मम्मा मुझे बचाओ, मम्मा मुझे यहाँ से निकालो, आकाश, आकाश मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे, बेटा माफ कर दे अपनी माँ को, आकाश, आकाश बात सुनो मेरी। देखा बेटा, तेरी माँ तुझे कभी नहीं भूली और ना कभी भूल पाऊंगी। तुझसे जुड़ी सारी यादें मेरे दिल में हैं और हमेशा रहेंगी। I promise। सिर्फ मुझे माफ कर दे, अनजाने से हुई गलती के लिए मुझे माफ कर दे बेटा, बेटा प्लीज। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आकाश की आत्मा ने हमें माफ कर दिया, अब सब ठीक है, सब कुछ। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।